गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक जूस आपसे शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं ठीक लगे तो कोई बात नहीं। तो चलिए देखते हैं इसे बनाना कैसे है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ ली हूँ खीरा, टमाटर और करेला। जिसका हाई लेवल में शुगर रहता हो और दवा से कंट्रोल करना मुश्किल होता हो, तो सप्ताह में दो दिन इसका जूस आप ज़रूर बनाया करें। ये जूस मैंने बनाती हूँ अपनी माँ के लिए। तो चलिए देखते हैं इसे बनाना कैसे है। तो फ्रेंड्स, इसका जूस बनाने के लिए हम तीनों चीज़ बराबर मात्रा में लेंगे। तो सबसे पहले खीरा हम काटेंगे, इसका जो कड़वा है उसे हम निकाल लेंगे इस तरह से। और इसे यहाँ से कट कर देंगे। अब इसे हम छील लेंगे, ठीक है, हमने इसे छील लिए। इस तरह से साफ पानी से धो लेंगे और एक कॉटन में पोंछ लेंगे। तो फिर हम इसे पोंछ लेने के बाद हम सभी चीजों को इस तरह से रफली चॉप कर लेंगे। खीरा, टमाटर और करेला तीनों चीज़ बराबर से ले इस तरह से कट कर लेंगे। ठीक है, अब इसे हम डाल देंगे एक मिक्सी के जार में। इसमें डाल देंगे आधा गिलास पानी। अगर आपको नमकीन चाहिए तो इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सेंधा नमक और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको इसे ग्राइंड करना है और एक गिलास में इस तरह से छान लेना है। तो फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, बस तीनों चीज़ को एक साथ ग्राइंड करना है पानी डाल के और इसे एक गिलास में छान लेना है, ठीक है। तो देखिए, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया से तीनों चीज़ का जूस बनकर तैयार है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से जूस बनाया करें। अगर आपका शुगर ज़्यादा बढ़ा रहता हो और दवा से कंट्रोल नहीं होता, तो सप्ताह में दो दिन ज़रूर बनाया करें और इसे पिया करें, ताकि आपका सेहत भी अच्छा रहे और आप भी अच्छे रहें। तो आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।